राम जी, आज हमारे साथ हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य भोपाल जी खदरी। इनता जानेंगे वे पेपर कद हो गए, पेंडिंग भर्ती पड़ी उनके बारे में। नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्ते। जो भर्ती जो है रीएड, बार बार रीएड होने लग रही है, तो इसका कारण क्या है और पेपर कब तक हो गए? रीएड का कारण तो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जिनकी बीए अभी फ्रेश पास हुई है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले और एस्टेट वाले मिले जिनका एस्टेट क्लियर हुआ अभी, कि हमारे को भी इसमें मौका दिया जाए। तो हमने 15-20 दिन का टाइम और बढ़ा दिया कि जो अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर ले। और जो ये बड़ी भर्ती है हमारी पटवारी, ग्राम सचिव, पुलिस की, जो आपने जिक्र किया, इसका एग्ज़ाम हम लगभग अप्रैल के दूसरे सप्ताह में शुरू करेंगे। और अभी हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन चल रहा है, वो ITI के इंस्ट्रक्टर्स का है, UDC LDC का है, बिजली बोर्ड के अकाउंटेंट का है, इस तरह की कुछ टेक्निकल पोस्ट हैं जो 5 जिलों में हरियाणा के ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी हो रहा है। मतलब जो बड़ी वैकेंसी है वो सारे के सारे ऑफलाइन होंगी, जितने जो जैसे हरियाणा पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, ग्राम सी हो गया। हाँ, अभी तक ये व्यवस्था है कि वो ऑफलाइन होगी, क्योंकि हरियाणा में अभी तक कंप्यूटर का इतना सेटअप हो नहीं पाया। और कई बार इसमें ये होता है, अगर क्वालिफिकेशन आपकी प्लस टू या BA सिंपल प्लस टू है, ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएट व्यक्ति कंप्यूटर की इसको जानकारी हो। इसलिए धीरे धीरे हमने विज्ञापन किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन शुरू करेंगे। पर अभी वो बच्चों को मौका तो मिले कि वो कंप्यूटर सीख तो लें, इसके लिए तैयारी तो कर लें, पर ये बड़ी भर्ती जो है वो ऑफलाइन OMR बेस्ड हो। कुछ पोस्ट थी जैसे SBC की पोस्ट थी, वो उनको जनरल में कन्वर्ट कर दिया था हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार। जो SBC की जो रुकी हुई वैकेंसी रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है? हम दिन प्रतिदिन रिजल्ट एक दो करके हर रोज़ निकाल रहे हैं। उनमें से ज़्यादातर जो है वो PGT TGT टीचर्स की है, कुछ कैटेगरी हमने निकाल दी हैं। जो बिल्कुल साफ हैं, कोर्ट में केस नहीं है, वो हम जल्दी निकाल देंगे। अगर उनमें कोर्ट का कोई स्टे है तो वो कोर्ट का डिसीजन होने के बाद वो भी जल्दी निकल जाएंगे। यानी अप्रैल में हरियाणा में निरी नौकरियां की पूरी बौछार होगी, पेपर हर रोज होगा। पूरी बौछार होगी और हर रोज पेपर होगा। ये बच्चे ये भूल जाएंगे कि मेरा एग्ज़ाम इस पोस्ट के लिए आज है, कल कहाँ है, परसों कहाँ है। और हमारा प्रयास ये है कि हम पूरी कमिश्नरी बेस पे ही रखें कि 100 किलोमीटर या 70 किलोमीटर के रेडियस में ही एग्ज़ाम बच्चों के कंडक्ट कराएं। यानी गृह जिले में एग्ज़ाम हो सकता है? गृह जिले में भी हो सकता है, कमिश्नरी को उठाएंगे हम। कोई बच्चा अगर रोहतक का है और रोहतक में पेपर भी हो सकता है उसका, मगर उसको सोनीपत भी जाना पड़ सकता है और भिवानी भी जाना पड़ सकता है। इतना तो है कि अपनी कमिश्नरी में रहेगा वो। अच्छा जी, पहले जो पर्ची खर्ची चलिया कर दी इंटरव्यू और अपने बेरा पिछली सरकार में किया गया, तो इब आखिरी में दो शब्द में आप जो बालक तैयारी करने लग रहे, जुट रहे हैं एक साल तक, उन खातर के संदेश दोगे आप? उनके लिए संदेश ये है कि वो बिल्कुल कोई किंतु परंतु छोड़ के पूरी तरह से मेहनत करें, क्योंकि नौकरी अब योग्यता पर, मेरिट पे, पारदर्शिता और ईमानदारी के बेस पे ही लगेगी, और कोई किंतु परंतु पर्ची खर्ची का सवाल ही पैदा नहीं होता। लव बालको भी तैयारी पर जुट जाओ, अप्रैल का दूसरा हफ्ते तक पेपर होंगे सारे के सारे, जबरदस्त तैयारी करो। भोपाल जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी धन्यवाद।